नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन का चल गया पता। सीसीटीवी फुटेज में बमबाज के साथ आई नज़र, एसटीएफ ने बिछाया जाल। यूपी पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले गिरफ्तार गुर्गे शमसाद ने कई राज खोले हैं। यूपी पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले गिरफ्तार गुर्गे शमसाद ने कई बड़े राज खोले हैं। पुलिस के मुताबिक शमसाद कुछ महीने पहले दिल्ली के पास साइस्ता से मिला था। इस मुलाकात के लिए अतीक के गुर्गे शमसाद को लेकर साइस्ता के पास गए थे। हालांकि मुलाकात कराने वाले सभी गुर्गे अभी जेल में बंद है। लंबे समय से यूपी एसटीएफ को चकमा देकर फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी और मोस्ट वांटेड साइस्ता परवीन के बारे में पता चल गया। मुताबिक 3 दिन पहले जिंदा बम के साथ गिरफ्तार हुआ बमबाज शमसाद ने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले वो दिल्ली में साइस्ता परवीन से मिला था। गिरफ्तार शमसाद ने सभी गुर्गों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी शमसाद को साइस्ता के साथ देखा गया था। वहीं शमसाद ने अरशद की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी से जुड़ी अहम जानकारी भी दी है। पुलिस का मानना है कि तीनों लेडी डॉन एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई है। अब पुलिस को पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बनाकर कुछ खास जगहों पर तलाशी ली जा रही है। पुलिस एनसीआर के आसपास के इलाकों में तीनों लेडी डॉन की तलाश कर रही है। आपको बताते चले कि साइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है, जबकि जैनब और आयशा पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इन सभी को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। उमेश पाल की हत्या बीते साल फरवरी में हुई थी, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ को आरोपी बनाया गया था। बाद में अतीक और अशरफ की हत्या हो गई थी। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।